हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए, मैं हूं दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो नया माइक सेटअप किए है, नया कैमरा लिए, ट्राइपॉड लिया, सब सेटअप किया हूं, जुगाड़ लगाया कुछ चीज का। तो अब बताइए कैसा लग रहा है, मेरा साउंड कैसा आ रहा है। अभी बहुत लोगों ने कमेंट किया, सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, सर आपका ये क्लियर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता एडिट करने का, टाइम नहीं मिलता अच्छे तरह से वीडियो बनाने का। तो हर दिन का काम करने के बाद रात में आके टाइम निकाल लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं जानता हूँ मैं अगर इसमें अर्निंग करना चाहता हूँ मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो एम है वो अर्निंग नहीं करना। इसमें मैं आप लोग कमेंट करते हैं इसमें, सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका, ये सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे काम को कोई देख रहा है, मेरे काम को कोई अच्छा बोल रहा है, मेरे से कोई सीख रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए पूरा दिन का काम करने के बाद रात में आके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जितना भी थकान आ जाए, तो मैं ट्राई करता हूँ अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छी कोई वीडियो कुछ अच्छे कुछ सिखाने के लिए। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो स्टार्ट करते फिर से, आज फोर्थ पार्ट है, तो चलिए वीडियो में देख। हेलो, तो आ गए पीसी पे, आप देख सकते हैं ये पहला वाला हमने तो कंप्लीट कर लिया था, देन सेकंड वाला, देन थर्ड, कल मेनू भी कंप्लीट कर दिया एक वीडियो में, ठीक है। देन आज क्या करेंगे, आज ये वाला वीडियो बनाएंगे। ये आज लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है आज इस वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए। तो ये एक टेस्टिमोनियल सेक्शन, ठीक है, तो टेस्टिमोनियल सेक्शन को हम बनाएंगे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यह हमने खोल लिया अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ही काम करता हूँ ऑल टाइम, ये बहुत इजी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम डाउनलोड का लिंक दे देंगे, बहुत इजी है सीखने के लिए भी बहुत इजी है, आप कोड को याद कर पाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे मुझे पहले हम एक सेक्शन लेते हैं, देन आईडी में देंगे टेस्टिमोनियल। स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज माफ कर देना, क्योंकि मेरा स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो मेरा हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो सॉरी प्लीज, मैं किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हूं, मैं सब में, मेरा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मेरा स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, मेरा हिंदी में प्रॉब्लम है, प्लीज माफ कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम को। अगर कोई भी कोड में प्रॉब्लम हुआ तो आप बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपको मुझे कैसा दिखता है, मेरा हिंदी कैसा है, मेरा स्पेलिंग कैसा है, ये आपको सीखना नहीं है, मेरा काम कैसा है, मेरा डिजाइनिंग कैसा है, ये आपको सीखना है। तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और इसको थोड़ा हो सके तो इग्नोर करिएगा। तो देन डीप लेंगे प्लस क्लास कंटेनर, ठीक है, तो कंटेनर ले लिए, देन और एक डीप लेंगे, हम देंगे टेस्टी कंटेंट। ये टेस्टी कोई खाने का चीज नहीं है, खा मत लीजिएगा, टेस्टी और टेस्टिमोनियल का हम जस्ट टेस्टी कर दे रहे शॉर्ट फॉर्म, अंडरस्कोर कंटेंट सॉरी। तो अब देखिए हो गया मेरा अंडरस्कोर कंटेंट हो गया, देन हम क्या करेंगे, यहां से जो टाइटल है टाइटल को कॉपी कर लेंगे, कॉपी देने यहाँ पे H2
के अंदर हम पेस्ट कर दिए, देन हमको डिवाइडर लेना है, ठीक है। तो डिवाइडर को हम कॉपी करेंगे, यहां से डिवाइडर कॉपी किए हमने, मेनू का डिवाइडर कॉपी किया हूं क्योंकि मेनू का डिवाइडर जो है येलो कलर में है तो हमको व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट का लेके वन हम दो तो हटा देंगे, जो ओनली डिवाइडर है वो व्हाइट है। तो डिवाइडर के बाद, डिवाइडर के बाद हम कंटेंट पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ पी से आता है, ठीक है। तो पी देंगे, पी मेरा माइक पे और भी थोड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का खत्म नहीं होता प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास पावर फैंटम पावर एक खरीदना पड़ेगा माइक के लिए, तो हम नेक्स्ट मंथ पे एडजस्ट कर लेंगे, इस महीने पे नहीं हो पाया। तो फैंटम पावर लगाएंगे तो माइक थोड़ा आवाज थोड़ा और बढ़ेगा और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे, तो प्लीज इसमें ना थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो पी टैग को हम कॉपी कर लेते हैं, इतना ही कॉपी करेंगे पी। एंड ये देखिए यहाँ पे एक मेरा जो क्या बोलता है इसे कोटेशन है, इसको हम क्या करेंगे, ये इमेज में है, हम इमेज को हम कट कर लेंगे, जस्ट कॉपी कंट्रोल एन एंटर देन कंट्रोल वी, तो आ गया बैकग्राउंड रिमूव, कंट्रोल एस से सेव करेंगे पीएनजी में। टेस्टी बोल के सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लिया, देन हमको बैकग्राउंड को भी कट करना है, तो हम बैकग्राउंड पे गए, देन इसका साइज ले लिया हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एंटर, सॉरी एंटर ओनली एंटर कंट्रोल वी देन कंट्रोल वी, तो पेस्ट हो गया। कंट्रोल एस से जेपीजी टेस्टी बीजी इसको देंगे, टेस्टी अंडरस्कोर बीजी, ओके। तो हमने बैनर भी ले लिया बैकग्राउंड का, देन हमको क्या करना है, और इसका ये जो नाम है टाइटल का नाम इसको कॉपी करेंगे, देन हम यहाँ पे पी के अंदर ही देंगे, नहीं पी के बाहर देते, पी टैग के बाहर देंगे एच फाइव बोल के, H5, ओके। एंड यहाँ पे स्पैन ले लेंगे P के ऊपर, स्पैन के अंदर वो वाला इमेज दे देंगे, स्पैन के अंदर इमेज हम जस्ट नाम को कॉपी कर लेंगे, इमेज के अंदर PNG टेस्टी डॉट PNG, इमेजेस देन टेस्टी डॉट PNG, देन ऑल टैग जरूर दीजिएगा, ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इमेज को नाम मतलब कोई भी इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑल टैग बहुत जरूरी चीज है, तो इसको दीजिएगा, ठीक है। देन हम सेव कर लिए, मेरा HTML रेडी है, देन रिफ्रेश देख रहा हूं यहाँ पे, देखिए आ गया मेरा HTML रेडी है। तो लेकिन एक गलती हो गया मेरे से, हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, हम क्या करेंगे क्राउजल में यूज करेंगे, तो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। जो टेस्टी कंटेंट है, टेस्टी कंटेंट को हम जस्ट कॉपी करेंगे, कट करेंगे, अलग एक टैब में हम रखते हैं इसको, देन यहाँ पे देखिए हम मेरा आउल क्राउजल का कोड लगा है, तो आउल क्राउजल का कोड कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। इतना नहीं चाहिए हमको, तीन तो चाहिए, तीन तो ठीक है, तीन, बाकी सब हम डिलीट कर दिया, सेव एज,
ओके एंड यहाँ पे रिफ्रेश देंगे। अब देखिए ये आ गया मेरा क्राउजर। तो अभी हम एक ही लेते हैं, बाद में एक को पहले करते उसको हम कॉपी करेंगे। पहले हम एक को लिया, देन एंटर, देन इसके अंदर हमने जो हम कॉपी करके रखा था या एक काट करके रखा था इसका हम कॉपी करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अभी इसमें जा रहे हैं रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे क्या अब बहुत बड़ा आ गया। हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए थोड़ा सा एक एक चाहिए। ठीक है, तो एक कैसे आएगा, हम जेस में जाएंगे, हम जो मेरे पास आउल क्राउजल है, आउल क्राउजल को हम कस्टमाइज कर सकते। तो ऊपर में एक लिंक दे देंगे, उस लिंक को हम दिखाए एक वेबसाइट में कैसे 4-5 आउल क्राउजल से स्लाइडर बना सकते हैं, और एक आउल क्राउजल से हम 4-5 स्लाइडर बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं हम ऊपर में लिंक दे देंगे, प्लीज चेक कर लीजिएगा। हाँ, हो सके तो लाइक भी दीजिएगा, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, एक एक कर देंगे। ठीक है, सेव, सॉरी रिफ्रेश। देखिए एक आ गया, एक ही आया लेकिन ये बहुत बड़ा आया, इमेज ऊपर का जो इमेज है बहुत बड़ा आया। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम काम कर रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं। देन हम जो क्लास है, हमारा जो क्लास है, हम क्लास को जस्ट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आईडी टेस्टिमोनियल, हम इसको बैकग्राउंड का इमेज देंगे। तो हम जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट हम नाम चेंज कर देंगे इमेज का, क्योंकि सब तो सेम ही है, जस्ट इमेज का पाथ चेंज करना है। ओके, इमेज का पाथ हम यहाँ से लिख लेते हैं, इमेज हाँ testivg.jpg, देन सेव। यहाँ पे रिफ्रेश, देखता हूँ आ गया कि नहीं, आ गया, बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, तो इमेज को हम देंगे इमेज फ्लूट क्लास, मतलब विथ 100% इमेज को दे देंगे, दे दिए। अभी बाकी जो है आइटम टेस्टी कंटेंट, देन इसके अंदर टेस्टी कंटेंट दे दिया, सॉरी इसको कॉपी। देन इसके अंदर जो क्लास है हमको क्लास देखना पड़ेगा, इसके अंदर H2 है, देन स्पैन हम यहाँ पे H2 लिख लेंगे, देन फिर से कॉपी, देन स्पैन भी लिख लिया। देन उसके अंदर डिवाइडर है, डिवाइडर को भी लिखेंगे, डिवाइडर को लिख लिया। देन फिर से सॉरी इसको कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, देन इसके अंदर जो क्या है पी टैग एंड H5 टैग, देन पी एंड यहाँ पे H5। तो इसके अंदर हम इसके पहले जस्ट हम क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल का टैग जो है बैठा देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सब स्टाइल में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अगर हम जल्दी करेंगे तो अब समझ में नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, एक एक चीज आपको ठीक तरह से बोल के उसके बाद हम कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तो आप कुछ नया सीखेंगे, काट देंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को लेते हैं, टेस्टी कंटेंट का बैकग्राउंड कर देंगे विथ 400 पिक्सल, देन हाइट 400 पिक्सल। ओके, हाइट विथ 400 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑपेसिटी कम कर लेंगे इतना। ठीक है, पैडिंग
40 पिक्सल, पैडिंग 40 पिक्सल, हाइट विथ को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और विथ को हम बढ़ाएंगे 500 पिक्सल को, विथ बढ़ा लिया 500 पिक्सल। एंड जो होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम इस दे दिया, कंटेंट को दे दिया, देन इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर देंगे। अभी देख रहा हूँ कहाँ आया, सेंटर में नहीं आया, हम इसको देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इसको भी देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आप ठीक तरह से देख लीजिएगा, देन रिफ्रेश, देखिए। तो अभी क्या करना है, दोनों जो इमेज है इसका हम फिक्स करेंगे, इमेज को फिक्स करेंगे, जो इमेज है बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, हम क्या करेंगे जस्ट राइट इसको जो डिवाइडर है इसके अंदर हम डिवाइडर को क्लास लिए थे, देन इसको विड्थ देंगे, बार को बाहर जो डिप है इमेज के बाहर जो डिप है उस डिप को हम विड्थ देंगे 200 पिक्सल, देखिए 200 पिक्सल, ठीक है 200 पिक्सल ही देता हूं, देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक के बीच में आ गया, ठीक है। देन मार्जिन देंगे दोनों तरफ से ऊपर नीचे से 20 पिक्सल एंड दोनों तरफ से 0, तो ये मेरा हो गया डिवाइडर का काम। तो हम डिवाइडर को यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया डिवाइडर को, देन सेव, एक बार देख लेता हूँ, मुझे लगता है डिवाइडर सेम है, सर एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं ये वाला डिवाइडर अलग अलग है, यहाँ पे दो डिवाइडर है, दो तरफ का डिवाइडर है, ठीक है। हम अभी इमेज नहीं काट रहे क्योंकि इमेज काटने पे टाइम बहुत लगेगा, हम अब इमेज काट लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं इमेज है, जस्ट इमेज चेंज होगा, हम दो ये वाला डिवाइडर देना पड़ेगा, ठीक है, इसका जो व्हाइट कलर है इसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इमेज काट नहीं रहा अभी, तो ये मेरा डिवाइडर का काम हो गया रिफ्रेश। अभी जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग का हम काम करेंगे, स्पैन टैग को भी क्या करेंगे, जो स्पैन लिया इसका विड्थ देंगे, विड्थ 100 पिक्सल, देन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ हमने 100 पिक्सल ज्यादा दे दिया, इसको छोटा करेंगे और, ठीक है इसको छोटा कर लिया इतना, ठीक है। देन मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। अभी ये मेरा हो गया कॉपी, देन डिवाइडर पे स्पैन पे पेस्ट, तो ये मेरा स्पैन भी हो गया। अभी क्या करेंगे, पी टैग, सॉरी हमको H2 टैग को करना है, H2 टैग का फॉन्ट को हम फॉन्ट फैमिली जो है फॉन्ट फैमिली वहां से कॉपी कर लेंगे, जस्ट फॉन्ट साइज एंड कलर को हम कर रहे हैं, कलर व्हाइट फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, फॉन्ट साइज ठीक ही है, हम जस्ट कलर को ले लिया, फॉन्ट को देंगे वहां पे, और यहां से फॉन्ट फैमिली कहाँ है, फॉन्ट फैमिली मेरा ये वाला फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली को कॉपी, पेस्ट। अभी रिफ्रेश, सॉरी दूसरा कोई फॉन्ट फैमिली ले लिया, कैसे सॉरी मेरा नेट ऑफ है,
मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा मैं जो फोन यूज किया हूँ गूगल गूगल का लिंक यूज किया हूँ, कोई फोन डाउनलोड करके यूज नहीं किया, सो इसलिए नेट ऑफ है तो लिंक काम नहीं कर रहा है, तो नेट को ऑन कर लिया, देन रिफ्रेश कर रहा हूँ, देन आप देख सकते हैं फॉन्ट मेरा आ गया, ठीक है, तो सॉरी हो गया, भूल हो गया मुझे, तो देन पी को करेंगे पी कलर व्हाइट, कलर व्हाइट लाइन हाइट 22 पिक्सल और देंगे 22 पिक्सल 26 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो रहा है, 16 पिक्सल फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, देन इसको कॉपी एंड यहाँ पे पी पे पेस्ट आ गया पेस्ट, एंड जो H5 है इस पाइप का उसका भी कलर जस्ट हम फॉन्ट साइज को कम करेंगे, कलर एंड फॉन्ट साइज, ठीक है, देन H5 को किया कलर व्हाइट एंड फॉन्ट साइज 16 पिक्सल 40 पिक्सल इसको और छोटा किया, देन कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, आप देख सकते हैं कितना आसानी से, कितना छोटा सा, कितना आसानी से एंड कितना छोटा सा कोड में हमने पूरा एक टेस्टिमोनियल बना दिया, ये मेरा टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल पूरा बन गया, ठीक है, क्योंकि अभी एक और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, हम जब इसको स्लाइड होगा ये जस्ट बैकग्राउंड को लेके स्लाइड होगा, मुझे मैं चाहता हूं बैकग्राउंड को लेके स्लाइड मत हो, ए जस्ट कंटेंट स्लाइड हो, बैकग्राउंड यही फिक्स रहेगा, तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, जो टेस्टी कंटेंट है टेस्टी कंटेंट को जस्ट हम कॉपी करेंगे, जस्ट ये जो डीप है डीप को कॉपी करेंगे, देन आइटम के बाहर दे देंगे जस्ट, देन सेव, अभी रिफ्रेश दे रहा हूं फिर नहीं हो रहा है, तो और एक बार हाँ यहाँ पे देख के देख रहा हूँ, अभी तो हो जाना चाहिए, हाँ अभी देखिए जो बैकग्राउंड फिक्स्ड है, लेकिन बैकग्राउंड फिक्स्ड है लेकिन जो टेक्स्ट है ओनली टेक्स्ट ही स्लाइड हो रहा है, ठीक है, और भी एक प्रॉब्लम हो गया फिर से यहाँ पे, मुझे बहुत हंसी आ रहा है क्योंकि मैं गलती पे गलती कर जा रहा हूँ, क्या है ना जो गेस्ट रिव्यू जो टैगलाइन है ये भी मेरा मूव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे जो टैगलाइन एंड जो डीव है इसको हम कट करेंगे, देन जो टेस्टी कंटेंट है इसके बाहर हम रख देंगे, थोड़ा हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट हम भूल गए थे इसको करना, ठीक है, अभी ठीक है, हम रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओनली पी आर जो नाम है वही मूव करेगा, देखिए अब ये मूव नहीं करेगा, पी एंड जो नाम है यहाँ पे वही मूव करेगा ओनली, तो टाइटल बैकग्राउंड भी मूव नहीं करेगा, गेस्ट रिव्यू एंड डिवाइडर को भी मूव नहीं करना, जस्ट हमको टेक्स्ट को मूव करना है, अगर हम इसको चाहे अगर चाहिए तो जो हमारा कोटेशन है उसको भी हम मूव नहीं कर सकते, हम उसको फिक्स्ड कर सकते, तो ठीक है अभी ऐसे करके आप एक बार ट्राई कर लेना कैसे होता है, ठीक है, तो बैकग्राउंड को और थोड़ा हम ये करेंगे डार्क कर देंगे क्योंकि और थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाए कोई, थोड़ा सा और डार्क, इतना ठीक है, बैकग्राउंड को कॉपी किया, देन यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा एक बार हम कोड दे देंगे वहाँ पे एंड बैकग्राउंड को यहाँ पे पेस्ट, बैकग्राउंड को पेस्ट कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश, देखिए कितना अच्छा आ गया, तो अभी क्या करना है इसको ऑटो हमने सेट करना है, ऑटो पे सेट करना है, तो हम जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, किसको कॉपी करेंगे जस्ट जो आइटम है, आइटम को कॉपी,
देन आइटम को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तीन तो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम मान लीजिए न्यूयॉर्क को इंडिया कर दे रहा हूँ एक बार, इंडिया, देन इसको इसको क्या करें, चाइना, इसको चाइना कर दिया, ठीक है। हम आपको अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कर दिया, देखिए इंडिया, लेकिन यहाँ पे दो तो ये आ गया मेरा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, यहाँ कि यहाँ पे जो पीएचडी है, पीएचडी में कहीं पे भी वो वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को हमको हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे, जस्ट कुछ नहीं, राइट क्लिक करेंगे, इसको कंटेंट, इसको हम एक बार डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक कर देते एक बार, नहीं ये बाहर, देखिए बाहर चला आया, तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। डिवाइडर डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो बाहर, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक ही है, हमको अभी चेंज नहीं करना था, जस्ट इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जाएंगे इसके अंदर जो आउल नेम को कॉपी करेंगे, सीएसएस में जाएंगे आउल नेम एंड और एक को लेंगे, आउल नेम के बाद आउल डॉट्स, इसको हम एक साथ दोनों को ही डिस्प्ले नन कर देंगे। तो कैसे करते हैं, जस्ट आउल नेप दिया, देन क्लास को इसको दे देंगे, मतलब आउल डॉट्स को दे दिया, देन डिस्प्ले नन, ओके, देन सेव। अब देख सकते हैं यहां पे दोनों मेरा चला गया, लेकिन और एक बात है, अगर हमको दूसरी कहीं पे ये क्राउजल का यूज करना पड़े, दूसरी कहां पे क्राउजल को यूज करना पड़े, वहां पे मुझे जो डॉट्स है एंड नेव है उसको चाहिए, तो हम फिर से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे डिस्प्ले नन कर देंगे। तो फिर से यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसके आगे हम टेस्टी आईडी, ये जो आईडी है, आईडी को हम यहाँ पे लगा देंगे दोनों के आगे, क्योंकि बाकी अगर दूसरी बार अगर हमको यूज करना पड़े तो तब वो दिखाई दे, तो ठीक है, ये हो गया। देन आपको चाहिए ऑटोमेटिक हो गए, ऑटोमेटिक होगा, तो जेक्वेरी पे जाएंगे, कस्टम जेस, देन यहां पे करेंगे ऑटो प्ले ट्रू, देन सेव। यहाँ पे देख रहा हूँ ऑटो प्ले होता है कि नहीं, थोड़ा सा वेट करके जाता हूँ, नहीं हो रहा है ऑटो प्ले ट्रू, नहीं हो रहा है, तो हमको सर प्ले को पी, हम जस्ट गूगल पे जाएंगे, ऑटो प्ले पी एल छोटा में होगा शायद, हम छोटा में दे दिया, यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए अभी होता है कि नहीं, हाँ देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हो रहा है, लेकिन ये बहुत टाइम ले रहा है, तो हम जस्ट स्पीड, इसका जो स्पीड है इसका स्पीड को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ता है इसका, हम जस्ट देंगे ऑटो प्लेट, ऑटो प्ले आउल क्राउजल ऑटो प्ले स्प्रिट, स्प्रिट आउल क्राउजल, सॉरी देंगे, स्टॉक ओवरफ्लो, फिर जाएंगे इसका जो कोड है, जो ऑटो प्ले 3000, ऑटो प्ले कर देंगे ट्रू, देन ऑटो प्ले 3 है, यहाँ पे हम 2 कर देंगे, 2000 मतलब 2 सेकेंड में, ओके।
अभी देख रहा हूँ होता है कि नहीं, नहीं होगा मुझे लगता है, नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे होगा ऑटो प्ले टाइम आउट, इसको देना पड़ेगा मुझे, हमको पता था नहीं होगा, फिर भी हम एक बार ट्राई किया ऑटो प्ले टाइम आउट। अभी देखा देखिएगा हो जाएगा रिफ्रेश, अभी देख सकते हैं 2 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, तो हमने आउल क्राउजल का बहुत एक ओनली एक आउल क्राउजल पे वीडियो बनाया है, ऊपर में लिंक दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी लिंक दे दूंगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। आउल क्राउजल में वीडियो बनाया बहुत अच्छा। तो मेरा दोटो हो गया, अभी क्या करना है, अभी जो करना है अभी यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे जस्ट द राइट फुट को हम क्लास बनाएंगे, तो इसको कट कर देते, इसको भी कट कर देते, जरूरत नहीं है, देन सेक्शन लेंगे। सेक्शन आईडी द राइट फुट, राइट फुट बना लिया। देन हम एंटर दी, सॉरी कहाँ चलाया, डीप क्लास कंटेनर। तो डीप क्लास कंटेनर ले लिए, देन इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा क्या करना है इसमें। इसमें हमको दो टो सेक्शन लेना है, तो रो लेंगे डीप क्लास रॉ, देन उसके अंदर डीप क्लास कॉल एक सेल एक्स्ट्रा लार्ज 6 कॉल लार्ज 6 कॉल एमडी 6 कॉल एसएम 6 कॉल 12। ओके, तो इसको हम दो बार कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। पहले में हमको क्या करना है, दो टो इमेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इमेज दो टो को काट लेंगे, एक दो, दो टो इमेज है हमको, हम एक साथ देंगे और दो टो एक साथ, तो हम एक काम करते हैं, दो टो के एक साथ देते हैं यहाँ पे। देन कंट्रोल एन एंटर, देन पेस्ट, एक आ गया। ठीक है, तो हम एक एक करके आएगा, हम दोनों को हम मार्ज नहीं किया इसलिए एक एक करके आएगा। देन राइट वन, देन और एक को यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट टू। दोनों इमेज हमने सेव कर लिया, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, दोनों सेव हो गया। देन हम यहाँ पे ले रहा हूँ डीप क्लास राइट आईएमजी, एक डीप के अंदर भी लेता हूँ, देन दोनों इमेज करना है मुझे, इमेजेस, देन RIGH राइट वन डॉट JPG, देन ऑल्ड, देन इसको कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, देन इसको टू। ठीक है, देन अभी यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए इमेज नहीं आया क्योंकि मेरा नाम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, राइट वन राइट टू RIGHT राइट इमेजेस राइट, सॉरी कोई गलती हो गया, RIGH2 JPG फाइल, ठीक ही तो है, RIGH
टी राइट वन राइट टू क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, इमेज तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है इमेजेस राइट वन। सर हम एक बार नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मुझे लगता है कोई कहीं पे गलती हो रहा है, कहीं पे गलती हो रहा है मुझे लग रहा है, तो एक बार कॉपी पेस्ट। ठीक है जेपीजी जेन ओ सॉरी इमेज स्पेलिंग गलत लिया, एम ए जी ई एस इमेजेस, ओके इमेज स्पेलिंग गलत लिखा था, तो रिफ्रेश देखिए दो तो इमेज आ गया। तो हम क्या करेंगे राइट इमेज सॉरी इसको राइट फुट को कॉपी करेंगे पहले, देन यहाँ पे इसका क्लास बना लेंगे, देन इसको कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट, देन इसके अंदर राइट इमेज, देन आईएमजी, ओके जस्ट इसको क्या करेंगे डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक सेव, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं आया, यहाँ पे दे रहा हूं जस्ट हम क्या करेंगे फ्लोट लेफ्ट कर देंगे। फ्लोट लेफ्ट कर दिया ठीक है, देन मार्जिन कर देंगे ऊपर नीचे से जीरो दोनों तरफ से 20 पिक्सल, नीचे क्यों जा रहा है फ्लोट लेफ्ट, सॉरी हम पैडिंग देते पैडिंग ऊपर से जीरो दोनों तरफ से 10 पिक्सल करके, फिर भी नीचे जा रहा है, थोड़ा इसमें जगह नहीं मिला इसको, इसको जो है ना जगह नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं पहले, फ्लोट लेफ्ट पैडिंग ऊपर नीचे जीरो दोनों तरफ से 10 पिक्सल करके ठीक है, देन यहाँ पे जस्ट 6 को कंट्रोल डी से सिलेक्ट करेंगे, देन इसको कर दें 7 एंड यहाँ पे कंट्रोल डी से सिलेक्ट करके इसको कर देंगे 5, तो अभी देखेंगे आ गया फ्रेश, देखिए आ गया दो तो इमेज मेरा आ गया, तो इसका बैकग्राउंड में भी सेम चीज है यहाँ पे देख सकते हो, तो हम अभी वो वाला आप लगा लीजिएगा, अब भी थोड़ा कुछ काम कीजिए, हम सब कर देंगे, अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, दूसरा कोई इमेज लगाइए बैकग्राउंड पे, ऐसा टेक्चर देखिए यहाँ पे टेक्चर लगा बैकग्राउंड पे, आप थोड़ा दूसरा कोई टेक्चर लगा के देखिए कैसा लगता है, अब भी एक्सपेरिमेंट करिए, तो हम ये नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो तो बड़ा तो हो रहा है, तो प्लीज हम राइट साइड में आ जाते हैं, देन हम जस्ट पैडिंग दे देंगे इसमें राइट फुट, इसमें पैडिंग 60 पिक्सल दोनों तरफ से जीरो, देन रिफ्रेश पैडिंग और भी देना होगा 60, हम 80 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है 80 पिक्सल, तो अभी क्या करेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे राइट इमेज एंड राइट कंटेंट डीप लेंगे राइट अंडरस्कोर कंटेंट, पहले लेंगे h2 टैग, हमेशा h2 और h1 में लेना के लेने की कोशिश करिएगा, जितना भी टैग है टैग लाइन h1 एंड h2 के अंदर ही लेने की कोशिश करेंगे करिएगा, क्योंकि ये जो H1 SEO में बहुत हेल्प करता है, H1 एंड H2 SEO में बहुत हेल्प करता है, तो टैग हमेशा H2 एंड H1 में लेने के लिए ट्राई कीजिएगा जितना हो सके, देन उसके बाद डिवाइडर,
डिवाइडर येलो कलर का डिवाइडर है, तो हम जो येलो कलर का मेनू मेनू से हम ले लेंगे येलो कलर का डिवाइडर है, कॉपी एंड इसको पेस्ट यहाँ पे, ठीक है डिवाइडर को पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए दो तो पैराग्राफ है, तो हम पहला पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, कॉपी पी पेस्ट, देन फिर से और एक पी, दूसरा पी, देन यहाँ को यहाँ से इसको कॉपी, दो तो पी कॉपी कर लिया पेस्ट। अब अभी रिफ्रेश दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आ गया ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मेरा फॉर्म है तो इतना तक अभी अभी कर लेता हूँ स्टाइल इसका, देन हम उसमें जाएंगे। तो राइट कंटेंट क्लास को ले लिया कॉपी पेस्ट, देन इसके बाद सॉरी इसके बाद है एच टू, इसको कॉपी किया, देन डिवाइडर 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 हाँ डिवाइडर क्लास को कॉपी, इसका भी हो गया, देन पी टैग पी, तो जो एच टू टैग है उसका हम कर लेंगे एंड कलर देंगे एच टू टैग में, जो फॉन्ट फैमिली ले लिया एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में है तो हमको सेंटर लेना है, ठीक है हम सेंटर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कलर एच टू टैग जो है मेरा ये वाला टैग, इसका कलर देंगे हम येलो, कलर येलो देते हैं, देन हम उसको क्या करेंगे जस्ट पिकअप करेंगे यहाँ से, ठीक है देखिए कलर आ गया। तो कॉपी फॉन्ट साइज, ठीक है हम फॉन्ट साइज चेंज नहीं करेंगे, आपको अगर लगता है कि फॉन्ट साइज बड़ा है तो आप चेंज कर सकते हैं, आप खुद से कुछ करिए। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के आपको दे रहे हैं, मान लीजिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के आपको दे रहे हैं, आप खुद से कुछ बनाइए ठीक है। तो सेव रिफ्रेश, देन देखिए देन हम यहाँ पे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर में आ गया, देन इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, जिम बॉटम पिक्सल, इसको भी देंगे मार्जिन बॉटम बॉटम 20 पिक्सल, दो तो हो गया देखिए रिफ्रेश हो गया। देन पी पे जाएंगे, तो इस तरफ लेते हैं कलर को थोड़ा डार्क करेंगे, ब्लैक ले लेते पहले, देन इसको हम ये ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल एंड लाइन हाइट 22 पिक्सल, मार्जिन बटन 20 पिक्सल, ठीक है हाँ। कलर को और थोड़ा हल्का करेंगे, बहुत डार्क हो गया इतना, ठीक है देन कॉपी यहाँ पे पेस्ट, देखिए बहुत आसान है ठीक है। तो ये भी मेरा एक सेक्शन होने मतलब खत्म होने वाला है, तो इतना हो गया। देन हमको क्या करना है, फॉर्म करना है ठीक है, तो ये वाला फॉर्म मुझे करना है तो हम कर लेते हैं, ज़्यादा देन मत देन नहीं करेंगे। इसके अंदर राइट कंटेंट के अंदर पी टैग के बाद हम लिखेंगे फॉर्म ठीक है, फॉर्म ले लिया। देन हम देखो फॉर्म टैग यूज करना जरूरी है, हर समय फॉर्म टैग यूज करेंगे जब भी फॉर्म लेंगे। तो देन पहले हम क्या करेंगे, लेवल यूज कर सॉरी देन डीप क्लास
रॉ, देन डीप क्लास, और इतना अभी नहीं करेंगे हम, जस्ट कस्टम फॉन्ट यूज करेंगे, ठीक है, इतना हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है, हम जस्ट कस्टम बूटस्ट्रैप फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम, बूटस्ट्रैप फॉर्म यूज कर सकते हैं लेकिन हम कस्टम फॉर्म यूज करेंगे, तो कस्टम फॉर्म जस्ट लेंगे दो करके लेना है हमको, दो करके लेना है, ठीक है, तो हम जस्ट देंगे डीप क्लास रॉ, ओके, देन डीप क्लास, इसको सिक्स को कॉपी कर लेंगे, तो इसको हम अभी कॉपी करता हूं, कॉपी, यहां पे पेस्ट, पांच को हम सिक्स कर देंगे, सॉरी पांच को सिक्स कर दिया, देन अभी इसके अंदर हम देंगे इनपुट, सॉरी इसको हम एंटर, देन हाँ देंगे हम जो मेन होता है ना फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये जो ऊपर लिखा है नेम, इसको कहते हैं लेवल, देन लेवल टैग, देन नेम, लेवल ले लिया, देन इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम के अंदर देंगे नेम, प्लेस होल्डर, मतलब उस फॉर्म के अंदर जो लिखा है योर नेम, इसको कल इसको करेंगे प्लेस होल्डर, कहते हैं प्लेस होल्डर, इसके अंदर जो लिखेंगे वो वहां पे शो करेगी योर नेम, देन स्टार मार्क, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है, देन एक बार हम रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए ये आ गया, ठीक है, तो हम एक काम क्या करेंगे, जो फॉर्म है फॉर्म को इसके बाहर ले लेंगे, तो बहुत मतलब सेपरेट हो जाएगा, फॉर्म को इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है, फॉर्म को बाहर ले लिया, बहुत अच्छा, देन नेम को कॉपी, नेम कॉपी पेस्ट, नेम के बाद क्या है मेरे पास, नेम के पास देखिए यहाँ पे दो टो नेम लिखा है, ये थोड़ा पीएचडी में भूल गल चेंज करना भूल गया, तो नेम के बाद है ईमेल, तो हम यहाँ पे सही करेंगे ईमेल, ईमेल योर ईमेल, योर ईमेल टाइप ईमेल, ईमेल नेम ईमेल, सॉरी इसके अंदर और एक चयन है, जब डेवलपमेंट करेंगे ना तो आईडी देना पड़ेगा, आईडी जरूरत है, आईडी, आईडी नेम, नेम और ईमेल के अंदर भी आईडी, ईमेल, एंड जी हमको यहाँ पे स्टार मार्क, मतलब ये जरूरी है, तो एक काम करेंगे और एक रिक्वायर्ड, मतलब ये इंपॉर्टेंट चाहिए चाहिए, तो ये भी रिक्वायर्ड, ठीक है, तो चाहिए चाहिए, तो दो टो हो गया, तो हम क्या करेंगे, दो टो को कॉपी करेंगे, कॉपी यहां पे पेस्ट, दो टो को पेस्ट कर दिया, इसके बाद है डेट, यहां पे हम करेंगे डेट, पहला वाला डेट, डेट टेक्स्ट को हम कर देंगे टाइप को डेट, डेट नेम को भी डेट, आईडी को भी डेट, प्लेस होल्डर में डेट, सॉरी डेट, ओके सेव, एंड लास्ट वाला है पार्टी नंबर, पार्टी नंबर, देन पार्टी नंबर ईमेल में पार्टी नंबर, टाइप हम टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट अलाइन टाइप टेक्स्ट दे देंगे, लिख देंगे हाथ से, ईमेल देंगे पार्टी, पार्टी दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, ओके यहाँ पे नंबर, आईडी पे भी नंबर, यहाँ पे पार्टी नंबर को कॉपी किया, एंड यहाँ पे योर ईमेल की जगह पेस्ट कर दिया, अभी यहाँ पे सेव, देखिए ये मेरा हो गया,
हम यहाँ पे कस्टम मतलब का एक थोड़ा स्टाइल नहीं है स्टाइल, अगर हम आपको बूटस्ट्रैप का ये इनबिल्ट HTML5 का इनबिल्ट कैलेंडर है इसको हम यूज कर दिया इनबिल्ट कैलेंडर। हम अगर नया कैलेंडर जेक्वेरी का इनबिल्ट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो आप जस्ट टाइप पे डेट लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो डेट को थोड़ा क्या क्या किया यहाँ से ये यहाँ बाहर ले लिया क्योंकि देखता हूँ एक बार। हाँ डेट का जो ये है हम गलती हो गई, जो ईमेल ईमेल के अंदर यहाँ पे जस्ट एक डीप को क्लोज कर देंगे देन इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए सेव डेट आ गया। ठीक है, तो लास्ट में बुक नाउ, तो हम क्या करेंगे बुक नाउ एक बटन बना लेंगे, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट जो जितना सिक्स है सबको हम बड़ा कर देंगे मतलब पूरा रोई लेगा बड़ा। देन टाइप सबमिट, सबमिट नेम को जस्ट हम इसमें बटन लेंगे और कुछ नहीं बटन 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 टाइप सबमिट, बटन टाइप सबमिट यहां पे बटन के अंदर कंधे बुक नाउ, बुक नाउ। ठीक है, इसका लेवल हटा देंगे देन सेव रिफ्रेश। देखिए बुक नाउ आ गया, तो हमको HTML तो कर लिए HTML, तो इसको हम स्टाइल करेंगे। जस्ट क्या करेंगे इसका जो जितना क्लासेस हमने यहाँ पे लिखे जितना क्लासेस हम सब क्लास हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम पहले जाएंगे आईडी को लेंगे राइट फुट, राइट फुट, राइट फुट के अंदर फॉर्म, फॉर्म का ले लिया देन इसको कॉपी देन इसको फॉर्म के अंदर लेंगे लेवल, लेवल को एक बार कॉपी कर लेता हूं। ओके देन फॉर्म के अंदर इनपुट, इनपुट ले लिया देन बटन बटन बटन, तो मेरा ये हो गया। और देखता हूँ कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ अभी अभी तो नहीं है, मैं सेव कर रहा हूँ देन यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है, देखिए हो गया। तो अभी चलिए अभी स्टाइल करते हैं यहाँ पे एक बार PhD को देख लेता हूँ, सब जितना लेवल है तो उतना उसका कलर है येलो में, तो कल लेवल को फर्स्ट कल लेवल जितना है उसका कलर चेंज करेंगे लेवल कलर येलो। ठीक है, ये येलो नहीं है, हमको यहाँ से जस्ट एक कर लेंगे इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। हाँ आई थिंक इसका फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल 18 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड बोल्ड, फॉन्ट साइज थोड़ा कमा देता हूँ बोल्ड कर दिए। देन मार्जिन बॉटम, मार्जिन है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं मार्जिन ठीक ही है, मार्जिन अभी नहीं देना पड़ेगा। अभी इसको हम कॉपी देन लेवल पे पेस्ट, लेवल पे पेस्ट। देन अभी क्या करना है फॉर्म इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इनपुट टाइप पे देंगे विथ 100% विथ 100% पेरिंग 10 पिक्सल, पेरिंग 10 पिक्सल ठीक है। देन अभी बॉर्डर, बॉर्डर जो है बॉर्डर कलर, बॉर्डर बॉर्डर कलर रेड,
हम ये वाला कलर क्योंकि हमने ड्रॉप करना है यहां से, ठीक है। सॉरी, हाँ बॉर्डर देंगे, ओनली बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, देन कलर हम अभी रेड दे रहा हूं, रेड दे दिया, इसको हम कलर चेंज करेंगे। वैसे देंगे तो पूरा बॉर्डर एक कर लेगा जो अच्छा नहीं आएगा, देंगे जस्ट 1 पिक्सल सॉलिड देके ऐसे, तो इसको थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। देखिए देन मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, हाँ इतना ठीक है, ठीक है 15 नहीं 60 पिक्सल, मेरा फेवरेट नंबर है 60। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो रिफ्रेश। देखिए अभी क्या करना है, बुक नाउ को हमको ये करना है, तो ये जो देखिए मेरा डेट भी आ रहा है, हम यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्टी नंबर देंगे, ओके ठीक है। तो ये मेरा हो गया, अभी क्या करेंगे बुक नाउ, बुक नाउ को क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, बीच में आ जाएगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, नहीं आया ठीक है। तो हम ऊपर में दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, तो जिसमें तो पहले हम इसका स्टाइल कर लेते हैं, हाँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ओफ बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड येलो ठीक है, बैकग्राउंड येलो कलर दे दिया ये वाला, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन, पैरिंग देंगे 10 पिक्सल दोनों तरफ से 20 पिक्सल, ओके तो मेरा हो गया। हम कलर देंगे व्हाइट, कलर व्हाइट, हम दोनों तरफ से पैरिंग थोड़ा और बढ़ाएंगे 26 एंड ये 12 पिक्सल कर देंगे, ठीक है ये मेरा हो गया। एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो ऊपर ही ऊपर में ही दे दिया, कॉपी पेस्ट देन सेव, यहाँ पे रिफ्रेश एंड यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, और एक काम करना है टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर ठीक है, रिफ्रेश। देखिए मेरा भी सेंटर में आ गया, तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें तो बहुत काम कर दिया हमने, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सोच रहे थे फुटर भी कर देंगे, लेकिन फुटर अभी कर नहीं पाएंगे, फुटर नेक्स्ट वीडियो में, जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हमको रेस्पॉन्सिव करना है तो उसमें हम फुटर कर देंगे। तो एक काम कीजिए, फुटर को आप अगर आप एक काम कीजिए, अगर हम आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज फुटर आप करके मुझे एक बार फाइल भेज दीजिएगा, तो हम भी देखेंगे आप कैसे बनाया, कोई भूल होगा तो कोई भी भूल होगा तो हम करेक्ट कर देंगे, अगर आप भला अच्छा बनाया तो हम भी कुछ सीख लेंगे। तो प्लीज फुटर आपके लिए छोड़ दिया, फुटर आप बनाएं, देन हम देखेंगे कैसे बनाएं, मुझे फाइल भेज दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम फुटर बना के देंगे, ठीक है नेक्स्ट वीडियो के फुटर बनाएंगे, देन रिस्पॉन्सिव पार्ट करेंगे, देन रिस्पॉन्सिव पार्ट ठीक है। तो चलिए आज इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, तो चलिए आज बाय।